धनबाद के झरिया के सिंदरी स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए एक महती सभा का आयोजन किया गया। वही सभा के माध्यम से विधायक ने बताया कि एसीसी के द्वारा लगातार मजदूरों व ग्रामीणों का उनका हक अधिकार व सम्मान से वंचित किया जा रहा है। इस ग्रामीणों ने जमीन दिया, प्लांट को बैठाने का काम किया, वैसे गाँव वाले को यहाँ पे रोजगार नहीं दिया जा रहा है। गाँव के लोग अब डरने वाले नहीं है, अपने अधिकार के लिए मर सकता है मगर अधिकार छोड़ नहीं सकता। उन लोगों का जो जमीन है, उन लोगों का जमीन तो लिया गया लेकिन अभी तक उन लोगों को नौकरी नहीं दिया गया है। झरिया के सिंदरी स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए एसीसी के और एचयूआरएल के विरुद्ध टाइगर फोर्स के जिला अध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य धर्मजीत सिंह की अध्यक्षता में एक महती सभा का आयोजन एसीसी कैंपस के बगल के मैदान में किया गया। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि एसीसी के द्वारा लगातार मजदूरों और ग्रामीणों को उनके हक अधिकार और सम्मान से वंचित रखा जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसीसी प्रबंधन दलाल को दामाद बनाकर चल रहा है। एसीसी से रावण राज समाप्त करने के लिए ढुल्लू महतो किसी भी हद को पार कर सकते हैं और रावण राज समाप्त करके रहेंगे। सिंदरी के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि ढुल्लू को रोकने का उनका औकात नहीं है। धनबाद को माफिया मुक्त करने का प्रण किए हैं और माफिया राज खत्म करेंगे। 1992 से जेल यात्रा कर रहे जेल जाने से नहीं डरती है। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन और टाइगर फोर्स का इतिहास क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहा है, इसलिए एसीसी प्रबंधन को चेतावनी देता हूँ, स्थानियों को रोजगार दे। धर्मजीत सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस खत्म होते ही एसीसी के अनियमितता और मनमानी के खिलाफ पूर्ण लॉकडाउन कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। सिंदरी क्षेत्र के एसीसी प्लांट के अगल बगल के गांव वाले, ठेकेदारी में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन, और जब किसी गरीब मजदूर किसान या गांव वाले के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो अपने भाई ढुल्लू महतो को जरूर बुलाता है। तो जब उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ कोई भी गरीब गांव के लोग बुलाता है तो हम जरूर वहां पर पहुंचते हैं। इसका सूचना जिला प्रशासन को भी दी गई है। एसीसी प्लांट द्वारा यहां के ग्रामीणों को, जिस ग्रामीणों ने जमीन दिया प्लांट को बैठाने का काम किया, वैसे गांव वाले को यहां पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जो मजदूर एसीसी प्लांट में कार्य करने वाले हैं उसको जो गरीबों के लिए बात रखता है उस वैसे लोगों को यहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। और कुछ दलाल लोग हैं एसीसी प्लांट में, एसीसी प्लांट द्वारा दलाल को रखा गया है, उस दलाल के माध्यम से यहां पे काम करवाना के प्रयास कर रहा है। वैसे दलालों के द्वारा जिस जिस मजदूरों का नाम दिया जाता है यहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है और गांव वाले को लठेत बनकर राइफल बंदूक लेकर गांव गांव में घूमने का प्रयास कर रहा है, गांव के लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है कि ताकि गांव के लोग डर जाए और अपना हक और अधिकार ना मांगे। मगर वैसे एसीसी प्रबंधन और वैसे दलाल को हम कहना चाहते हैं, गांव के लोग अब डरने वाले नहीं है, अपने अधिकार के लिए मर सकता है मगर अधिकार छोड़ नहीं सकता। और ये तय हो चुका है, आप लोगों ने भी आज देखा, हमने तो सूचना दिया था कि कुछ ही लोग से बैठक करेंगे मगर ये हजारों हजार के संख्या में लोग आ चुके हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है। जिस किसी भी हम जगह जाते हैं वहां पे गरीब मजदूर किसान गांव के लोगों को विश्वास चलता है कि हमारा भाई हमारा बेटा ढुल्लू महतो आया और हमारा हक और अधिकार का बात करेगा ही। और निश्चित तौर पर जिस किसी भी जगह जाते हैं हम वहां पे गांव गरीब किसान मजदूर का बात करते ही, और इसके लिए कई लोगों को, हो सके हमारे लोगों को भी कुछ लोगों को तकलीफ होता होगा, मगर हम वैसे भाइयों से भी आग्रह करना चाहेंगे, तकलीफ करने की कोई बात नहीं है। मिलजुल कर गांव के लोगों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है या इस क्षेत्र के गरीबों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, एसीसी प्लांट में कार्य करने वाले मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आप भी आकर साथ दीजिए और लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। एसीसी प्रबंधक अगर नहीं सुनता तो आगे की रणनीति, निश्चित तौर पर ये लड़ाई जोरदार तरीका से लड़ा जाएगा और इसके लिए जिला प्रशासन राज्य सरकार को सूचना आग्रह कर चुके हैं और उसके बाद भी जिला प्रशासन। सिंदरी में आप लोगों का एसीसी का जो धरना प्रदर्शन किया, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोगों का? ये हम लोग सिंदरी का प्रोग्राम का हम लोग उद्देश्य यही है कि हम लोग जो विस्थापित है
उन लोगों का जो जमीन है, उन लोगों का जमीन तो लिया गया लेकिन अभी तक उन लोग को नौकरी नहीं दिया गया है और काम नहीं दिया गया है। तो हम लोग इसीलिए प्रोग्राम किए हैं कि हम लोग वहाँ का जो निवासी है उन लोग को नौकरी दिया जाए, उन लोग को रोजगार दिया जाए। जबकि वो कहीं भी जाते हैं वहाँ ये मांगने के लिए नौकरी, तो उनको बोलते नहीं आप लोग ये ग्रामीण जो है उनके लिए नहीं है, जबकि बाहर से आदमी मंगा करके वो काम करते हैं। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग उसको वहाँ नौकरी नियोजन दिया जाए। क्या नाम हो? मेरा नाम सुंदरी देवी। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।